Hold up. Guys, Mad Game Tricks here. So guys, how to play Fortnite, how to build, how to edit builds, ऐसे सारे सवाल आपके मन में होंगे अगर आपने रिसेंटली फोर्टनाइट खेलना शुरू किया होगा तो। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक टेक्निक्स के बारे में जो गेम में काम आती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा किल्स चाहिए या अपने दोस्तों में ज़्यादा इज्जत चाहिए होगी तो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें फोर्टनाइट की सारी बेसिक चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। और एक बात, अगर आप फोर्टनाइट 2 साल से खेल रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हो। तो आपके पास 5 वेपन स्लॉट्स होते हैं, जिसमें आप हीलिंग और वेपन दोनों भी कैरी कर सकते हैं। ऐसे आप 5 वेपन कैरी कर सकते हैं। इस 5 वेपन्स में आप AR, स्नाइपर, शॉटगन, SMG, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। और एक स्लॉट होता है ट्रैप्स का, जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैप्स कैरी कर सकते हो थ्रू आउट द गेम। फिलहाल तो गेम में एक भी ट्रैप इक्विपमेंट नहीं है, बस लॉन्च पैड आप यूज़ कर सकते हो, वो अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है वुड, एक होता है ब्रिक और एक होता है मेटल। इसमें सबसे कमज़ोर वुड होता है, जो क्विक फाइट में ज़्यादा आपको ज़्यादा काम आएगा। और उसके बाद होता है ब्रिक, ये भी मीडियम रेंज में काम आता है अपने को। वुड से ज़्यादा इसका हेल्थ रहता है, तो वुड के ऊपर इसको प्रेफर कर सकते हो। और उसके बाद आता है मेटल। मेटल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, पर तो टाइम टू बिल्ड द मेटल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको जोन पता है, अगर जोन मूव नहीं हो रहा गेम में, तो आप मेटल से बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आप कैंप करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एडिट के बारे में। हमने ये वॉल प्लेस किया है, ये सामने एडिट का बटन प्रेस करने को बोल रहा है। तो अगर हम ये बटन प्रेस करेंगे तो जो पार्ट सिलेक्ट करो जो आपको एडिट करना है। मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये एडिट हो गया। उसके बाद मैंने ये पार्ट सिलेक्ट किया, ये एडिट हो गया। उसके बाद ये साइड, ये हो गया। तो वॉल बिल्ड करने के बाद उसको इन तरीके से एडिट कर सकते हैं। दरवाज़ा भी बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, 2 विंडो एट अ टाइम बना सकते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद फ्लोर में हम, अगर आपको ऊपर फ्लोर बिल्ड करना है तो उसके नीचे आपको सपोर्ट के लिए रैम्प बनाना पड़ेगा। तो रैम्प के ऊपर फ्लोर, उसको एडिट करने के दो से ज़्यादा तरीके नहीं हैं। सबसे कम यूज होने वाला ये, इसका कभी आपको यूज़ नहीं होगा, पर फिर भी ध्यान में रखो। उसके बाद आएगा रैम्प एडिट, ये सबसे मुश्किल एडिट है, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रैम्प हमें हाई ग्राउंड लेने के लिए काम आएगा। तो इसके एडिट करने के लिए 2 तरीके हैं, 2 से ज़्यादा है तरीके एक्चुअली। जो पार्ट एडिट करना है वो सिलेक्ट करो और रैम को 90 डिग्री फ्लिप करना है, तो उसे सिलेक्ट करो और माउस पीछे घुमाओ। 45 डिग्री एडिट करना है, 45 लेफ्ट माउस फ्लिप करो। इट्स सो इजी गाइस, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। आपको बस प्रैक्टिस करना है और ये बहुत बहुत ही ईजी है। बस क्रिएटिव में खेलते रहो अपने दोस्तों के साथ, एडिट करते रहो, एडिट करके फ्लिक शॉट ले लो, तो आपको गेम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये ऐसे टेक्निक्स है रैम के एडिट के लिए। उसके बाद आता है कोन। कोन भी फोर्टनाइट के चैप्टर 1 सीज़न 1 में बहुत कम
कम बार यूज किया जाता था, पर एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको रैम के रैम की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो अगर आप वन बाय वन में रहेंगे तो फ्लोर के ऊपर एडिशनल प्रोटेक्शन प्रूफ का रहेगा। रूफ को मैंने, जैसे कि मैंने बताया, रूफ को अपन रैम की तरह भी एडिट कर सकते हैं, ऐसा एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐसा एडिट कर सकते हैं। यह तरीके है फ्लोर को, रूफ को एडिट करने के। अगर आपके चारों तरफ एनिमीज हैं और आपको पता नहीं है क्या करना है, पर आप एक ओपन लोकेशन में हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वन बाय वन बिल्ड कर सकते हैं। वन बाय वन मतलब वन टाइल के रेंज में चारों तरफ वॉल, ऊपर फ्लोर और उसके ऊपर रूफ, तो आप चारों तरफ से सेफ हो जाएंगे किसी भी हमले से। और एक मुझे सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है, वो है कि हाउ टू डू 90s, हाउ टू डू 180s, हाउ टू क्रैंक 90s, ऐसे सवाल आते हैं। ये एक्चुअली मैं ये वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, पर ये जो टेक्निक्स है वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगे। अगर मैं समझाऊंगा तो फटक से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्लेग्राउंड में या क्रिएटिव में, जितना ज़्यादा देर हो सकता है उतना ज़्यादा देर प्रैक्टिस करो। तो 90s बिल्ड करने के लिए पहले आपको रैम, उसके बाद सपोर्ट के लिए वॉल, ऊपर भी वॉल, नीचे फ्लोर, रैम, वॉल, फ्लोर, रैम, वॉल, फ्लोर, रैम, वॉल, फ्लोर, रैम, वॉल, फ्लोर, रैम, ऐसे करते रहो। आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ये स्पीड होगा। ये हो गया 90 डिग्री के लिए 90। और अब मैं आपको बताऊंगा 180s के बारे में। ये टेक्निक्स ज़्यादातर एनिमी के ऊपर हाई ग्राउंड लेने के लिए यूज़ करी की जाती है। एनिमीज के ऊपर अगर हाई ग्राउंड रहेगा तो एनिमीज के ऊपर डोमिनेशन तुम्हारा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनका हेड, उनकी सारी पोजिशन आपको दिख सकती है, इसलिए हाई ग्राउंड लिया जाता है। तो ये टेक्निक है 180 डिग्री के लिए। रैंप, वॉल, वॉल, उसके बाद वॉल, फ्लोर और 180 डिग्री घूम के रैंप, बस इतना ही चेंजेस है। अभी मैंने रैंप और वॉल प्लेस किया है। मैं रैंप के ऊपर जाऊंगा, 180 डिग्री घूमूंगा, वॉल डालूंगा, फ्लोर डालूंगा और रैंप डालूंगा। 180 डिग्री घूमूंगा, वॉल डालूंगा, फ्लोर डालूंगा, रैंप डालूंगा। ये हाई ग्राउंड के लिए वॉल, फ्लोर और रैंप, ये जरूरी है। अगर आप वॉल और फ्लोर यूज नहीं करोगे तो आपको डैमेज पड़ेगा, फॉल डैमेज पड़ेगा। अगर आप वॉल और फ्लोर यूज नहीं करोगे, बस रैंप यूज करते रहोगे, तो आप फॉल डैमेज से मर सकते हो। इसलिए वॉल और फ्लोर दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही बिल्ड करते रहोगे तो कोई एनिमी अगर ये इधर सामने रहेगा तो ऐसे मार के ये तोड़ देगा और आप फॉल डैमेज लेके मर सकते हो। तो यूजुअली वाइल टेकिंग हाई ग्राउंड, रैंप, फ्लोर, वॉल, 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 ये टेक्निक यूज़ करते रहो। मतलब अगर कोई एनिमी अगर आपका ये तोड़ भी रहा होगा तो उसको पहले वॉल तोड़ना पड़ेगा, फिर रैम तोड़ना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर आपने मेटल या ब्रिक से बिल्ड किया तो उसको ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लगेगा, और तब तक आपको ऊपर जाके उसका पोजीशन भी पता चलेगा और उतने टाइम में आप उसे मार भी सकते हो। इसलिए रैम, फ्लोर, वॉल, ये टेक्निक हमेशा यूज़ करते रहो, हमेशा काम आएगी। और एक टेक्निक है रैम, फ्लोर, वॉल की, जो थोड़ी सी एडवांस है, पर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। इस टेक्निक्स में सेम टेक्निक पर दो बार, डबल फ्लोर, वॉल, रैंप,
जिसमें आप डबल रैंप लगाओगे, डबल वॉल लगाओगे और डबल फ्लोर लगाओगे। सिंपल, डबल फ्लोर, डबल वॉल, डबल रैंप, डबल फ्लोर, डबल वॉल, डबल रैंप। इसमें आपके मैट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, पर फिर भी ये टेक्निक तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे एनिमीज़ के अगर स्क्वाड है, दो तीन स्क्वाड है, अगर आपको दोनों को भी रश करना है या हाई ग्राउंड लेना है या स्काई बेस बिल्ड करना है, तो इसके लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। तो अगर सामने कोई रहेगा आपके, तो उसको ये ऐसे दिखेगा। अगर आपको उसने नीचे भी गिराने का सोचा भी, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूरा तोड़ने में। ऐसे बिल्ड करते टाइम एक्चुअली ब्रिक या मेटल से बिल्ड करते रहो, क्योंकि वुड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता और तोड़ने में आसानी होती है। सो अगर आपको पीसी के की बाइंड्स चेंज करने हैं, तो आप रेफरेंस के लिए मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कॉम्बैट सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।